बढ़ते आगे, आइए सिद्धार्थ सेठानी साहब के लिए है बिगुल सुपर सिड। सिद्धार्थ जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु और गुड आफ्टरनून सभी को। अने जी मिडकैप आईटी में भी एक रनअप जरूर आ सकता है और उसमें से एक कंपनी है बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट 860 का रख सकते हैं, पोजिशनल टारगेट 910 का रख सकते हैं, विद अ डिस्क्लेमर कि ये हम करीबन 2021 से काफी टाइम हो गया अलग अलग लेवल से रेकमेंड कर रहे हैं हमारे क्लाइंट्स को। ये फंडामेंटली फिर से स्टॉक रडार में आ रहा है बिरला सॉफ्ट। तीसरे क्वार्टर के रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग दिखे, मार्जिन स्ट्रॉन्ग रह सकते हैं, फोकस सिर्फ ग्रोथ पे है और ग्रोथ का जो मोमेंटम पिछले 3 क्वार्टर से दिख रहा है कंपनी में ये बरकरार रह सकता है। मैनेजमेंट ये उम्मीद कर रही है बीएफएसआई मैन्युफैक्चरिंग जो सेगमेंट है यहाँ से ग्रोथ सबसे ज्यादा आ सकता है, मार्जिन 15.5 से 17% के करीब आ सकता है। तो बिरला सॉफ्ट पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट 860, पोजिशनल टारगेट 910। एक बार लेटेस्ट व्यू पर राय ली जाए, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ है, जरा एक बार उनसे पूछा जाए। अच्छा सिद्धार्थ जी है ना, ओ सिद्धार्थ जी की तो रिकमेंडेशन लिस्ट में, सिद्धार्थ जी यस आपकी तो रिकमेंडेशन लिस्ट में भी राय, जरा फिर आप ही राय दीजिए। जी आपको एकदम सही बखूबी याद है, लेटेस्ट व्यू डेफिनेटली एनालिटिक्स एआई में बहुत ही बेहतरीन कंपनी है और एक्सपोर्ट्स बहुत बड़ा है। एनालिटिक्स एआई में ये कंपनी काफी अच्छा कर रही है और परफॉर्मेंस देखते हो क्योंकि पिछले क्वार्टर का अगर परफॉर्मेंस की बात करें Q2 का वहां पे मिस आया था जिसके कारण एक करेक्शन देखने मिला था, तो मैं मानता हूं कि ये काफी अच्छी रिकवरी दे सकती है यहां से। हमारी डेफिनेटली इस पे पॉजिटिव राय है लेटेस्ट व्यू पे। ओके ये है पॉजिटिव राय। और इस बीच हम सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए बिगुल बजाए, उससे पहले आइए सिद्धार्थ जी की तरफ से एक कॉल भी आ रही है आपके लिए सुपर सेट। बताएं सिद्धार्थ जी। देखिए जी ये मिड कैप बैंक है करूर वैश्या बैंक, केवीबी। केवीबी करूर वैश्या बैंक पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट रख सकते हैं आप 200 का, पोजिशनल टारगेट रख सकते हैं 230 का। अभी स्टॉक 6% ऊपर है तो एक साथ ना ले, दो टुकड़ों में अगर खरीदना चाहे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। तमिलनाडु बेस्ड बैंक है, लोन बुक करीबन 72,000 करोड़ के आसपास, 800 से ज्यादा ब्रांच नेटवर्क है, स्ट्रॉन्ग तीसरे तिमाही के नतीजे दिखे, रिटर्न ऑन एसेट स्ट्रॉन्ग दिखे, निम्स अच्छे दिखे हैं, 25 बेसिस पॉइंट से बढ़ के 4.3% दिखा गया और एनआईए ग्रोथ करीबन 12% दिखा और मुनाफा 40% से ज्यादा ग्रो हुआ है करूर वैश्य बैंक का। एडवांसेस अगर देखा जाए जिसे हम क्रेडिट ग्रोथ भी कहते हैं वो 16% से बढ़ते हुए दिखे हैं। कंपनी उम्मीद कर रही है 1.6% के आसपास ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स दैट इज जीएनपीए रह सकता है और ओवरऑल रिटर्न ऑन एसेट जो आने की उम्मीद है वो 1.5% क्योंकि आरओए काफी एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है बैंकिंग शेयरों में। तो करूर वैश्य बैंक केवीबी पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट 200 का, पोजिशनल टारगेट 230 का। परफेक्ट आइए बढ़ते आगे। एक अब ये अपनी साफ सफाई में कुछ कहना चाहते हैं सिद्धार्थ जी, आपको नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के तहत जरूर मौका मिलेगा, भरोसा हम नहीं करेंगे, बताएं सर। नहीं नहीं बिल्कुल अनिल जी, देश की तिजोरी है और डेफिनेटली सबसे बड़ा नेटवर्क है, सबसे ज्यादा लोन ग्रोथ है, बुक साइज है, तो डेफिनेटली अभी परफॉर्मेंस पिछले 1-2 क्वार्टर से थोड़ी धीमी रही है बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव से SBI पे अगर निवेश कर रखा है बिल्कुल हिलना डुलना नहीं है, बिल्कुल बने रहना है, मजबूत कंपनी है। ये सब छोड़ो, इसका भाव करो 700 रुपए, फिर मैं आपको है ना आशीष जी से स्टैंडिंग ओवेशन दिलवाऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है बिल्कुल। चलिए तो SBI सिद्धार्थ जी। नहीं नहीं बिल्कुल अनिल जी, मैं थम्स अप दे रहा हूँ, 700 रुपए आएगा तब मैं आपको रिमाइंडर दूंगा जरूर। ओके कभी ना कभी तो आएगा ही, लंबी जिंदगी है। जी जी बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं। जी बंसल जी। अनिल जी ये सिद्धार्थ जी अगर स्टेट बैंक का भाव 700 करा दें और तब कराएं जब आशू जी ने स्प्रेड दे रखा हो तो किसी को भी स्टैंडिंग ओवेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आशू जी खुद भी दे देंगे और बाकी सबको भी खड़ा कर देंगे अनिल जी। ये बात तो सही है बिल्कुल। जी कुणाल जी अगर अनिल जी नहीं हुआ तो फिर अनिल जी चेयर पर स्टैंडिंग ओवेशन देना पड़ेगा, ये भी याद रखिए आशू जी है सामने। That was too good.
मतलब किसी न किसी को तो खड़ा होना निश्चित है, कौन होता है कहाँ आता है वो देखने वाली बात है। चलिए आइए तब तक बढ़ते आगे। सर मेरे ख्याल से सेठा जी साहब भी अपनी तरफ से कुछ स्टॉक देना चाहते हैं। हो गया, अच्छा हो गया कि करूर वैश्या बैंक सिद्धार्थ सेठानी के साहब की तरफ से ये स्टॉक। उनका एक और फेवरेट स्टॉक आज भाग रहा है सर, उनका इंडियन होटल्स। उनके इतने सारे फेवरेट हैं, कभी कभी कोई ना कोई तो आ ही जाता है। मतलब रीजन सिद्धार्थ जी इज ऑलवेज हैप्पी एंड मतलब फुल ऑफ जोश, क्योंकि रोज कोई ना कोई स्टॉक उनको जोश दिला देता है। सिद्धार्थ जी सही है ना? बिल्कुल अनिल जी, जोश इज हाई और हाई रहेगा, क्योंकि इंडियन होटल तो डेफिनेटली बहुत अच्छा है और यहाँ से भी अगर आपने ले रखा है तो बने रहना है। पर इसके साथ और एक जोश वाली बात बताऊंगा अनिल जी, हमारा जो लेमन ट्री का टारगेट 150 रुपए का 150 उसको रिवाइज करके 180 कर दिया है, तो होटल्स पे डेफिनेटली अभी भी हम बहुत ही पॉजिटिव है। होटल्स पर तो डेफिनेटली पॉजिटिव व्यू बना हुआ है सिद्धार्थ जी का, और रखिए नजर, अच्छा एक्शन अक्रॉस होटल स्पेस आपको आते हुए भी इस समय दिख रहा है। बजाज फाइनेंस इस पर रखनी है नजर, एक बार सिद्धार्थ जी से भी राय ली जाए। सिद्धार्थ जी बजाज फाइनेंस रिसेंटली थोड़ा एक्शन में भी रहा है, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए सर? नहीं, मेरे हिसाब से दीपांशु थोड़े बहुत नंबर्स बेहतर आ सकते हैं, रोड मैप बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट का, और रोड मैप अच्छा आ सकता है क्योंकि बजाज फाइनेंस हम मानते हैं कि AUM जो गाइडेंस है वो 29-31% का अगर ये बरकरार रखते हैं तो ये पॉजिटिव रहेगा। और ओवरऑल पर्सपेक्टिव से जो नए नए बिजनेस क्योंकि माइक्रो फाइनेंस में भी एंटर करने वाली है Q4 में, तो इसका क्या रोड मैप रहेगा ये सब कुछ देखना चाहूंगा। अगर आपने ले रखा है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए। हमारा जो लॉन्ग टर्म टारगेट है 9650 का है, 9650। ऑफ कोर्स इस पे रिवीजन हो सकते हैं एक बार रिजल्ट आने के बाद। ये है आपके लिए बजाज फाइनेंस, जहां पर आपको रखनी है नजर, एक्शन में काउंटर रह सकता है। आइए विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, आशु जी, सुमित जी, हिमांशु जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धार्थ जी, जय ठक्कर साहब का और सचिन जी का भी शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। दिस डेटा इज फ्रॉम आवर रिसर्च रिपोर्ट कवरेज।